अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान ने लड़कियों के पर्दों को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि लड़कियां अगर बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिजाब हटने से हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। उन्होंने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को बंटा हुआ फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस मामले में मतभेद है। पीठ ने खंडित फैसले के मद्देनजर निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा। इससे पहले सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कहा था कि औलाद इंसान नहीं, कुदरत पैदा करती है। बर्क ने कहा था, औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं, कुदरत और अल्लाह से है। अल्लाह ताला जब किसी बच्चे को पैदा करने का इरादा करता है तो उसके साथ ही उसके खाने का इंतजाम भी करता है। सफीकुर रहमान ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर कहा था कि यह एक ऐसा संस्था है जिस पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण छापेमारी कर जुल्म ढा रही है। उन्होंने पीएफआई के खिलाफ हुई कार्यवाही का विरोध करते हुए पूछा था कि आखिर उनका जुर्म क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में प्रतिबंधित किए गए इस संगठन को मुसलमानों का मसीहा करार दिया था। एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसको? देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है।